औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। तो व्यूअर्स, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप लोग सुनाएं, आप सब ठीक हैं? अब देखें, आज चावल बना रहे हैं। ये चावल हैं, भिगो के रखे हैं इसको। ये अब मटर पुलाव बन रहा है, सादा सा मटर पुलाव है, अपने तरीके से बना रहे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। ये प्याज है, काट ली है। ये मटर हैं, ये मिर्चें हैं, ग्रीन मिर्च हैं, और ये जो है टमाटर हैं, और ये जो है मसाला जात हैं। तो अब हम बनाना तैयार करेंगे, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। अब गैस जला, गैस चल गई है। देख के रखी है भाभी ने, ये देखें भाभी ने घी डाल रही है। ये प्याज डाल दिए, घी में प्याज डाल दिए। अब इसको मिक्स कर रहे हैं, ये देखें। अभी प्याज ब्राउन हो रही है, तो अभी इनको ब्राउन होने में थोड़ा टाइम है। तो ये भाभी का जो है, भाभी की रेसिपी है, ये मेरी तीसरे नंबर वाली, नहीं चौथे नंबर वाली भाभी। कोई बात नहीं, भाभी हंस रही है कि भाभियों की वो भूल गई। नहीं, ये मेरी चौथे नंबर वाली भाभी है, क्योंकि मैं अम्मी लोगों के घर आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मेरी भाभियाँ जो है माशाल्लाह से काम करती हैं। मैं उनकी वीडियोज़ बनाती हूँ, कुकिंग की वीडियो। कुछ दिन आप मेरी वो देखेंगे, कुकिंग की वीडियो देखेंगे। तो ये देखें, अभी ये प्याज ब्राउन हो रही है, भाभी ये कर रही हैं, चावल बना रही हैं। जैसे ब्राउन होती है फिर आपको दिखाती हूँ। मक्खन चक्के प्याज डार्क ब्राउन करके, तो उसमें भाभी ने थोड़ा सा हल्का सा पानी डाल दिया है। भाभी अपने तरीके से बना रही हैं, तो आप लोगों को ये तरीका पसंद आए इस तरीके से बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि कैसी बनी है। अब जो है इसमें भाभी टमाटर डाल रही हैं, टमाटर डाल दिया। अब इसमें जो है मसाला जात जाएंगे। ये क्या है, क्या डाला भाभी? कुटी हुई लाल मिर्च, ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भाभी डाल रही हैं, और थोड़ा सा पानी डाल रही हैं क्योंकि नीचे लग ना जाए। अब क्या डाल, अच्छा ये वो कुटी हुई लाल मिर्च है। ये अब भाभी इसमें नमक भी डाल रही हैं। थोड़ा सा टेस्ट के मुताबिक डालें, जिसको जितना पसंद हो उतना ही डाल लें। ये बिरयानी मसाला डाल रही हैं भाभी चावलों में, तो ये देखें पुलाव में ये अच्छी खुशबू आती है इससे, तो ये वो डाल रही हैं। जिसकी जितनी मतलब मर्जी होती है ना, उस मुताबिक नमक डाल दें, मिर्चें, मतलब जिस टेस्ट के मुताबिक वो लोग खाना पसंद करते हैं। कोई टेस्ट पसंद करता है, कोई तीखा पसंद करता है, तो हम लोग इतना ही पसंद करते हैं। तो ये देखना, ये एक किलो का जो है भाभी वो बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं। ये देखिए, और टमाटर जो है वो तकरीबन मैश हो रहे हैं, तो अभी भाभी इसको मैश कर रही है। अब जो है वो भाभी मटर डालेंगी, देखें ये मटर डाल।
अब जो है व्यूअर्स, अब इस मटर को जो है थोड़ा सा इसमें भूनेंगे, फिर उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। अब जो है ये भून चुका है तो इसमें आप पानी डालेंगे, क्योंकि 3 गिलास 1 किलो चावल से 3 गिलास बनता है चावल, तो अब इसमें जो है भाभी डालेंगी, ये दूसरा गिलास है, ये तीसरा गिलास है, ये 3 गिलास हो गया, ये जो है 4 गिलास। इसमें अभी जो है 6 गिलास पानी डालना था, लेकिन भाभी ने है 5.5 गिलास पानी डालेंगी, तो ये 5.5 गिलास हो गया, मतलब पूरे 6 गिलास नहीं डाले, क्योंकि चावल तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे, तो अब इसमें पूरे 6 गिलास पानी नहीं गया, पूरे इसमें 5.5 गिलास पानी गया है। अब जो है इसको उबलने के लिए रख देंगे, ताकि ये इसमें उबाल आ जाए और ये मटर भी पक जाएंगे, तो उसके बाद फिर चावल डालेंगे। ये देखें उबल गया है पानी, तो अब पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें जो है ये भाभी जो है वो गरम मसाला डाल रही हैं, इस स्टेज पे डालती हैं भाभी, इस स्टेज पे मतलब चावल बनाती हैं तो इस स्टेज पे जो है गरम मसाला डाल देती हैं, तो ये अब गरम मसाला डाल दिया है पानी में, मतलब ये जो उबल रहा है, ये फ्लेम देखें गैस का फ्लेम। अब इसमें जो है भाभी जो है वो चावल डाल रही हैं, चावल डाल करके भाभी चावल डाल रही हैं, भाभी सुखवाई दाल तरह का अब जो है चावल सारे इसमें जा चुके हैं, तो अभी चम्मच से सारा मिक्स कर रही हैं भाभी, बस भाभी दम से दम दिया था, अब दम के बाद खोल दिया गया है, भाभी ने खोल लिए हैं चावल, ये देखें ऐसी आंच पे इसे दम दिया था, अब भाभी ने दम से इसे निकाल दिया है, अब इसे डिश आउट करेंगी, फिर आपको दिखाते हैं, ये देखें डिश आउट कर रहे हैं इसको, ये देखें भाप उठ रहा है, इस तरफ से दिखा देती हूँ आपको, ये देखें है ना, ये देखें, ये देखें व्यूअर्स, आप लोगों के लिए आज हमने मटर पुलाव पकाया है, बनाया है, तो ये रेसिपी लाजमी ट्राई करें और फिर हमें बताएं कैसी लगी आपको। ये देखें डिश आउट हो गया, डिश आउट कर लिया, ये देखें डिश आउट कर लिया है, तो ये देखें डिश आउट हो गई है, तो मटर पुलाव बड़ा ही ज़बरदस्त हो रही है, साथ में भाभी ने सलाद भी निकाला है, अभी उसको तैयार कर रही हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को ये दिखा देते हैं। अब अगली वीडियो तक के लिए अब हमें इजाज़त दें, दूसरी भाभी ने ये भी वो बनाया था, कलेजी बनाई थी खीर आज, तो मैंने कहा चलो ये भी भाभी लेकर आई हैं, ये कलेजी है, ये सलाद है और ये मटर है, तो कलेजी मटर के ऊपर डाल के खाती हैं भाभी, बहुत ही मज़ा करती है। तो अगली वीडियो तक के लिए आप हमें इजाज़त दें, जिस किसी ने भी हमारा चैनल नूर देसी विलेज लाइफ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक बरवक्त पहुँच सकें। ओके अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो तक की इजाज़त दें, ओके अल्लाह हाफिज़।